क्या बात है? जिस लड़की ने खुद मुझे प्रपोज किया था, इतना शर्मा रही। अनमोल को इतनी शर्म कब से आने लगी? हाँ, क्योंकि अब अनमोल रतन सिंह अनमोल निखिल तिवारी बन गई है। तुम नहीं समझोगे। अच्छा, अब जो कि तुम मेरी दुल्हन हो, तो जरा एक घूंघट तो उठाओ। मिसेज अनमोल निखिल तिवारी, अब ना तुम्हारे हस्बैंड का सोने का टाइम हो गया। सुबह 4 बजे उठ के टैक्सेशन का चैप्टर पढ़ना है। अगर नहीं पढ़ा तो हमारा फ्यूचर तो कुछ नहीं होगा। हमारे फ्यूचर को तुम जाओ, जाकर सो जाओ। कल मैं तुम्हें सुबह 4 बजे उठाऊंगी और कहूंगी चलो उठो, पढ़ाई नहीं करनी क्या? प्रॉमिस? पक्का वाला प्रॉमिस। आई लव यू। आई लव यू टू। तो सिर्फ एक बजा है, अगर झपकी माने गई तो 4 नहीं सुबह के 8 बज जाएंगे। नो नो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती हूँ। क्या करूं ताकि अगले 3 घंटे तक जाग सकूं। Thank you.
चार बज गए? और पर हूं क्या ना तो वहां आकर ना तुम्हारा कान ही काट लूंगी। फिर करते रहना हूं। कब से कह रही हूं आई लव यू आई लव यू। सोचा रोमांटिकली उठाऊंगी पर तुम आई लव यू मिस्टर अनमोल निखिल तिवारी। हां क्या कहा तुमने? हूं क्यों कहा? सुनाई नहीं दिया क्या? सुना ना पर एक और बार कहो ना। अच्छा लगता है। I love you, Mrs. Anmol Nikhil Tiwari। पता है, मैंने भी पहली बार में सुन लिया था। पर क्या करूं? कितना भी सुन लो दिल नहीं भरता है ना। बात माननी पड़ेगी वैसे। ठीक चार बजे जगा दिया तुमने। कितने बजे उठी थी तुम? मम्मा मैं अभी उठी। थोड़ी देर पहले देखा ना। जितना भी झूठ बोल लो पता चल जाता है समझे? मुझे जगाने के चक्कर में तुम सोई नहीं होगी ना पूरी रात। इतनी पागल बीवी मिली है मुझे। अब जो है सो यही है। खैर अब थोड़ी फ्लर्टिंग ना कल के लिए भी बचा कर रखो और फिलहाल तुम पढ़ने बैठो। अच्छा सुनो सो गए? नहीं बोलो। तुम कुछ बात बताने वाली थी कुछ इम्पोर्टेंट याद आया क्या? नहीं अब तक याद नहीं आई वो बात। पता है तुम्हारी आवाज सुनने के लिए मुझसे चार बज ही नहीं रहे थे। 6 महीने कैसे गुजरेंगे? ये जो 6 महीने बाद हमारी जिंदगी होगी ना तुम उसके बारे में सोचो। तुम देखना है जो 6 महीने चुटकियों में बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। निखिल तुम ये हूं करना बंद करो मुझे बहुत चिढ़ होती है। पता है तभी तो करता हूँ। अच्छा बोलो क्या कहना था? कुछ नहीं तुम्हारे लिए गुड मॉर्निंग और मेरे लिए गुड नाइट बस इतना ही कहना था। अच्छा सुनो आई लव यू। भला राइट लगे या रॉन्ग ट्रू लगे या फॉल्स सर पे पत्थर मारो या पत्थर पे सर मैं तो रोज गुड मॉर्निंग भेजूंगी। अनमोल काफी देर कर दी आज तुमने उठने में। जी भैया वो एक्चुअली
एक्चुअली आराम सुनाई नहीं दिया, अब आज चलिए ना चलते हैं। सब ठीक तो है ना अनमोल? हाँ भैया सब ठीक है, बस शादी कर ली। क्या क्या कहा तुमने? कुछ भी नहीं। तो ठीक है फिर चलो। हाँ। देखो सब तुम्हारा इंतजार कर रहे। अनमोल क्या हुआ बेटी, तबीयत ठीक है ना? जी पापा I'm fine। तो एक्चुअली कल रात को नींद नहीं आ रही थी ना, तो सुबह उठने में देरी हो गई। अच्छा तुम आज सो रही थी, और देख तुझसे मिलने कौन आया है। सुबह सुबह कौन आ गया? अरे खुद ही आके देख लो कि तुम किसको इतना इंतजार करवा रही हो। कैसी हो, कब आई? मैं ठीक, बस थोड़ी देर पहले। अच्छा पता नहीं था ना कि तू इतनी देर तक सोने लगी है, वरना मैं भी लेट आती। सब छोड़ना बैठे बातें कर। एक की शादी होगी और दूसरी की होने वाली है, फिर अभी तक बचपना नहीं गया। शादी वादी तय हो गई ना तुम्हारी? कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। वैसे तू बता इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई ससुराल से? लगता है जीजा जी को बहुत परेशान किया है इसने। परेशान रखूंगी तभी तो खुद सुकून से रह पाऊंगी। पर तुम अकेली क्यों आई हो, जीजू कहाँ है? पागल मैं पकपेरे की रस्म के लिए आई हूँ, वो तो मुझे छोड़ के चले गए। धीरे धीरे सारी रस्में नोट कर ले, तुझे भी आगे जाके सारी रस्में निभानी पड़ेंगी। सही कहा तुमने बेटा। अच्छा तुम लोग आराम से बैठ के बातें करो, हम आते हैं। बता कैसी चल रही है तेरी अरेंज्ड मैरिड लाइफ? ऑनेस्टली शुरू शुरू में तो लगा था कि बहुत प्रॉब्लम आएगी, बट जैसे जैसे शादी के दिन करीब आते गए ना, मेरे दिल पे एक अजीब सी फीलिंग आने लगी। हाँ पहले नर्वस जरूर थी, बट जैसे जैसे सारी रस्में पूरी होती गई ना, वैसे वैसे हम दोनों एक दूसरे के और ज्यादा करीब आते गए। आई डोंट नो बट आई थिंक भले ही हम कितने ही मॉडर्न क्यों ना हो जाए, हमारे ये जो रीति रिवाज है ना, इनका कुछ अलग ही मजा है। हाँ वो रिंग ढूंढने वाली रस्म, उसका मतलब क्या होता है? मैं अपनी बात करूं तो मैं तो अंगूठी ढूंढ ही नहीं पाई थी, और इन्होंने एक बार में अंगूठी ढूंढ ली और तीसरी बार में अंगूठी ढूंढ के मेरे हाथ में पकड़ा दी। तो मुझे लगा कि सब लोग देख रहे हैं, आई मीन सब हमें देख रहे थे, हम सबके सामने थे। पर कुछ भी हो उन्होंने अपनी वाइफ की शान रख ली। तो ये सारी रस्में हस्बैंड एंड वाइफ को और करीब ले आती है? बिल्कुल, जैसे वो खाना बनाने की रस्म, मीठा बनाने वाली रस्म, उसका मतलब क्या होता है? कितनी बार बताया गया है तुम लोगों को, लेकिन तुम हमेशा भूल जाते हो। शादी के बाद पत्नी मीठा बनाती है ताकि रिश्तों में मिठास बनी रहे। तो मैं रोज ना अपनी मम्मा के लिए मीठा बनाया करूंगी, बहुत गुस्सा करती है ना मुझ पर हमेशा। मैंने तो कुछ भी नहीं खिलाया निखिल को, तो क्या हम दोनों हमेशा लड़ते रहेंगे? इन्हें देखिए अभी से सुशांत की यादों में डूबी हुई है। टेंशन मत ले, तुझे भी मौका मिलेगा सारी रस्में पूरी करने का। अभी तो दोनों ठीक से मिले भी नहीं है, अभी कहां से सपने देखेगी। बेटा मम्मी पापा कैसे? सब ठीक है आंटी। सुशांत के नहीं, मुझे तो यकीन है कि उस पंडित के लड़के के सपने देख रही है। कहना तो नहीं चाहती पर अब तो पता लगाना बहुत जरूरी हो गया है कि आखिर ये सपने बुने क्यों जा रहे हैं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।